फोन उसने नंबर सारा याद है, तो कोई नंबर नहीं याद। और किसी ने फोन कर दिया कि ना देना अतना जंदुला पुत्र ऐसा कौन मनीर को लू। फिर मनीर उधर बजाया है ना मोबाइल स्विच ऑफ नास्ते मोबाइल स्विच ऑफ उन्होंने हकी गफाई बिचो और उधर नहीं फोन कर देना पिछले मोबाइल डाउन कर देना उधर कर दे नहीं टोटल फोन इधर ही कर दिया उनको फोन करती हूँ उनको वो वहाँ से फोन करके कुछ भी नहीं कहते कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैं यहाँ से उन्हें फोन करती हूँ कभी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं कभी कुछ कभी कुछ कहते हैं। मैं यहाँ से फोन करके उनसे पूछती हूँ क्या हुआ मेरा बेटा मिला कहते हैं अभी नहीं मिला। कभी मैंने कहा उनसे पुलिस जितना आप पुलिस स्टेशन गए हो कहने लगे हाँ हम गए मगर मुझे कोई भरोसा किसी पर नहीं कुछ नहीं किया उन लोगों ने। वो लोग आराम से बैठे हैं घर में कुछ नहीं किया। अल्लाह के वास्ते मुझे मेरा बेटा सौंप दो वापस बस जिसे भी मिलेगा वो मेरा बेटा मुझे वापस सौंप दो बस मुझे अपने बेटे से किसी से लेना देना नहीं। और लिंडी कोई गल में आ ही है ना यार ये सही गल गल हो गया आगे गल बचा था हां कोई ठीक ना मुझे छाती खराब है कोई गल हां दुआ नहीं आती आप हिंदी यासर की मां हूं मैं। तो कब हुई आपकी बात यासर के साथ? यासर के साथ यासर के पापा की बात हुई है। मेरी बात उस दिन भी नहीं हुई यासर से, दो दिन पहले मेरी बात हुई है यासर। उस दिन मैंने बहुत उनके उनको कहा कि मेरी बात करवाओ मेरे बेटे से। वो कहने लगे मैं कहाँ काम पे निकल चुके हैं वो घर में है। मैंने बोला उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? उन्होंने बोला कि ये खेल कोई गेम खेल रहा है उसके साथ तभी वो फ़ोन स्विच ऑफ रखता है। मैंने बोला आज तक वो मुझे फ़ोन करता था वो 24 घंटे मुझे फ़ोन करके मुझसे बात करता था। उस दिन उसने मुझे फ़ोन नहीं किया मुझसे बात नहीं की बस मैं कुछ नहीं चाहती मैं अपना बेटा मेरा नाम अब्दुल हमीद शाह है। मैं अशमकाम हार्दिक इचरू से बोल रहा हूँ। उसका नाम है यासर अहमद शाह। यासर की उम्र क्या थी? उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अच्छा यासर को कहाँ भेजा और किन के साथ भेजा? यासर को लखनऊ भेजा गया है और वो अशमकाम ग्रेन के रहने वाले हैं। उनका नाम अली है, अली मोहम्मद भट्ट। तो उसके साथ भेजा गया है। तो उसका 10 नवंबर की बात है। 10 नवंबर को जब हमारे पास आया तो उसने बोला कि मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे 10 साल से मैं महाजन हूँ मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे आपका बेटा चाहिए जो मेरे साथ रहेगा कापी पे हिसाब हिसाब लिखेगा। ठीक। तो जब उन्होंने मेरे बेटे को यहाँ से लेकर 10 नवंबर चले गए तो आज तक मेरा बेटा ठीक था। वीरवार 8 बजे उन्होंने मेरे बेटे से बात करवाई। पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका बेटा ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि अगर मेरे बेटे को आप वापस भेज दोगे, मैंने कोई आपसे तनख्वाह नहीं ली है कोई पैसा भी नहीं लिया है, मैंने जेब से पैसे अपने बेटे को देकर आपके साथ भेजा है तो आप मेरे बेटे को वापस भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अकेला नहीं जो भेजेंगे इसको, ये छोटा है क्या पता रास्ते में कहीं गुम हो जाए या कुछ। तो फिर मैंने बोला कि क्या मैं आऊँ? उन्होंने बोला आप आओ, आप यासर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। तो फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ से कुछ लाना तो नहीं है आप लोगों के लिए? उन्होंने बोला नहीं लाना कुछ नहीं है। फिर मेरे बेटे से बात हुई 8 बजे के करीब, मैंने अपने बेटे को बोला कि आप रूम में बैठो और उस महाजन के साथ बात हुई, उसको मैंने बोला आपका जितना भी खर्चा आएगा मैं आपके पैसे वहीं रूम में अदा कर दूंगा, मैं यहां से आ रहा हूं इसके लिए दवाई लाना। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैं दवाई ला रहा हूं कोई टेंशन नहीं है आप आ जाओ। तो उनको यही पता है कि मैं यहां से निकल चुका हूं लखनऊ के लिए अपना बेटा लाने के लिए। तो बाद में उन्होंने मेरी बीवी को फ़ोन करके कहा कि आपका बेटा गुम हो चुका है। मेरे जहन में यही डाउट है कि क्या पता ये क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर आपने पुलिस स्टेशन कंप्लेंट? पुलिस स्टेशन में उस दिन शाम के 7:30 बजे यहाँ बर्फ़ गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं जा पाया। फिर मैं सुबह 8 बजे पुलिस के पास पहुँचा। पुलिस के पास मैंने ये उनको भी मैंने यही बोला कि 8 बजे सुबह मेरे से बात हुई है तो उनको यही पता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। और बाद में मेरी बीवी को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि आपका बेटा गुम है। किस पुलिस स्टेशन में आपने काम? पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद उनके साथ कोई रابطہ हुआ है? उनके साथ रابطہ होता है मगर और नंबरों से, जो उनके नंबर चल रहे हैं वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं।
वो फिर मुझे मजबूर करते हैं, मैं फिर और इधर उधर फ़ोन करके उनके मोबाइल ऑन करवाता हूँ। फिर उन्होंने आज सुबह जब रात 12 बजे उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए थे, आज सुबह 10 बजे उनका मैं दूसरे नंबरों से फ़ोन करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। उन्होंने बोला कि हमारे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, आप क्यों बार बार फ़ोन करते हो। फिर मैंने उनको बोला कि आप जंगल में हो, आप सिटी में हो, वहाँ तो पावर 24 घंटे होता है, मजबूर हम हैं, हाँ यहाँ बिजली नहीं होती है, वहाँ तो बिजली हमेशा, आप ऐसी बातें क्यों बोल। तो अभी क्या चाहते हो आप? मैं अपना सिर्फ बेटा चाहता हूँ, बस मुझे यही और कुछ।